एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको भी दोपहर में नींद आ जाता है या फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का मन नहीं करता है, तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपने बहुत कम सोचा होगा कि साइंटिफिक प्रूफ है। लाइक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ था, दो ग्रुप है, तो एक ग्रुप में एक टास्क मिला था बच्चों को करने के लिए। तो दो दो बच्चों का ग्रुप बनाया गया था, एक लड़का एक लड़की एक ग्रुप में एंड एक लड़का एक लड़की सेकंड ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, दोनों को एक पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया गया था, ठीक है। सपोज़ करो कि मैं हूँ और आप हो, हम दोनों एक पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, आप और आपका फ्रेंड पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, एंड एक पर्सन है जो साइकोलॉजिस्ट है, वो हम दोनों को पज़ल सॉल्व करने हमें पज़ल सॉल्व करने दिया है। तो सपोज़ करो कि उसने चालाकी से आपको ऐसा पज़ल सॉल्व करने दिया है कि वो सॉल्व ही नहीं हो, वो ऐसा पज़ल है कि वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, और मुझे ऐसा सॉल्व करने दिया है जो काफ़ी ईजिली सॉल्व हो सकता है, काफ़ी ईजी है सॉल्व करना उसे, ठीक है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया था। तो उन्होंने क्या किया था, दो ग्रुप में दो 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 अलग अलग पज़ल्स दे दिए और उनको बताया नहीं गया कि ये पज़ल सॉल्व नहीं हो सकता है कभी। तो दोनों ग्रुप पज़ल सॉल्व करने में बिज़ी हो गए और जो फर्स्ट वाला ग्रुप था जिसको इजी पज़ल मिले थे, उन्होंने जल्दी पज़ल सॉल्व कर लिया और वो बिल्कुल के साथ वो बोले कि यस मैंने पज़ल सॉल्व कर लिया। और जो सेकेंड वाला ग्रुप था उसमें बच्चे काफ़ी परेशान थे, वो पज़ल सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इसलिए उनके माइंड में इतना टेंशन था, लाइक उनके फेस पे टेंशन और डर बहुत ज़्यादा उनके फेस पे दिख रहा था। इसको आप फिज़िक्स से रिलेट कर सकते हो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ऑल दैट। तो वो जो पज़ल सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए वो सॉल्व करना, ठीक है। और वो सामने वाले जो बच्चे थे वो ईज़िली सॉल्व कर रहे थे क्योंकि वो जो पर्सन थे उनको ईजी वाला पज़ल मिला था और इनको हार्ड वाला पज़ल मिला था, ठीक है। वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं था उस चीज़ को, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्हें और ट्राई करने के लिए बोला गया कि फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता। तो आपका जो फर्स्ट ईयर आप देते हो नीट, तो आपके साथ सेम सिचुएशन होता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हो जो ईजिली क्रैक कर लेते हैं नीट। तो आप सोचते हो कि ये इन लोगों ने कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया या फिर कर पाया। तो आप डीमोटिवेशन के फेज़ में चले जाते हो और फिर जब नेक्स्ट बार आप फिर से ट्राई करते हो ना, ड्रॉप, आपको पहले से ही होता है, ये डर होता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये सॉल्व। तो उन लोगों के साथ भी सेम हुआ था, वो सेकंड बार में इतनी एंग्जाइटी में थे, बहुत डर था, और जो सेकंड वाले जो बच्चे थे जिन्होंने क्रैक कर लिया था फर्स्ट वाले टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रिलैक्स मूड में थे और सेकंड वाला पज़ल भी उन्होंने ईजिली सॉल्व कर लिया। लेकिन फर्स्ट ये वाले ग्रुप जो थे जिनको पज़ल सॉल्व ही नहीं हो सकता था, वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है उनके अंदर कि मैं ये कर ही नहीं सकता, सेल्फ डाउट, पसीना पसीना आ गया, मतलब वो पज़ल सॉल्व नहीं हो सकता है, फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि ये इतना ईजी है फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो गया था, और जो सामने वाले पर्सन थे वो बहुत खुश थे बिकॉज उनसे सब कुछ हो पा रहा था और एनर्जी के साथ वो सारे काम कर रहे थे। और ये सामने वाले पर्सन वो भी सेम लेवल के इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल बेकार है, उनको कुछ नहीं आता। तो सेम ये सिचुएशन होता है अभी कंपटीशन के टाइम पर, जब एक जो ऐसा ग्रुप होता है उनको पता होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को एनालाइज करें, कैसे हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें, कैसे हम सब कुछ करें, तो उनके माइंड में क्लियरिटी होती है, तो वो ईजिली कर पाते हैं वो चीज़ को। लेकिन जो सामने वाले पर्सन होते हैं, क्या पता वो सेम लेवल के इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको वो ट्रिक्स पता नहीं है, उनको वो उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो उतने अच्छे से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। बट ये पॉसिबल है और आप ये कर सकते हो, जस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाकर, थोड़ा आप देखो कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। जल्दी क्वेश्चन को 3 घंटे से पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, 1 घंटे में ही कंप्लीट करने का ट्राई करो, या फिर ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप टू द अप्रोच ऐसे जो बुक्स में है वो नहीं, कुछ अलग से ट्राई करने के ट्राई करो जो आपको भीड़ से अलग बनाए, ठीक है। आपका सिलेक्शन जो होगा वो 1 या 2% में होगा, 99% में नहीं होगा। तो जो सब कर रहे हैं उससे अलग आपको कुछ करना होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वो जो पज़ल वाले केस में तो वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता था, फिर भी वो बच्चे इतने परेशान थे, लेकिन आपको तो पता है ना कि ये सॉल्व हो सकता है, आपको तो पता है ना कि एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ मतलब ऐसा होता नहीं है ना कि वो इम्पॉसिबल थिंग है, हो सकता है ना, तो यू हैव टू ट्राई। बस यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट से बस ये है कि अपने आप को डाउट मत करो, जो आप करना चाहते हैं वो करो। बाकी सारे मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं ऑल डैट, कि तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे पता नहीं क्यों करते हैं, ये तो सबसे बेकार चीज़ है ये चीज़ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपने ये कर लिया, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। इट मीन्स आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, किसी की जान बचाने जा रहे हो, खुद की जान लेने थोड़े जा रहे हो, आज सोसाइटल प्रेशर अभी नहीं आना चाहिए। आई नो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे सोसाइटी वाले लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को, बट आपको समझना होगा, आपको अभी से ट्राई करना होगा। ओके एंड यू कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।